तो गड़बड़ी हो गई, पान के चक्कर में नशा हो गया यार। मुझे नहीं पता था कौन सा उसके अंदर मीठा मिला हुआ है। ये बोल रहे ना सुपारी होता है उसके अंदर मिला हुआ, वो सुपारी के अंदर पता नहीं क्या है यार, मेरे दिमाग में ऐसा हो रहा है यार, कैसे थे यार। व्लॉग बना देंगे हम। हेलो गाइस, तो अभी हम ऐसे जा रहे हैं थोड़ी देर बाहर घूमने के लिए। यार मेरा व्लॉगिंग कैसा हो रहा है, क्योंकि मैंने वो वाले चैनल पर सिर्फ व्लॉग ही स्टार्ट कर दिया ना, तो मुझे व्लॉग ही बनाना पड़ेगा। मार्केट के वीडियो मैं उस पर नहीं डाल रही हूँ। ये देखो तुम तैयार हो गए हो क्या बोलो। देखो मेरे घर में दिखा रही हूँ आपको मैं, ये देखो, ये कोरोना गया ना तो मेरे घर में ना मास्क की दुकान लग जाएगी। देखो कितने सारे मास्क है। ये मास्क इसलिए है क्योंकि मैं हर बार नीचे जो मतलब तो कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं मास्क भूल जाती हूँ, इस वजह से मुझे मास्क खरीदना पड़ता है। तो ये पीछे देख सकते हो आप, बहुत सारे कम से कम 15-20 मास्क हो चुके हैं, और वो इस वजह से हो चुके हैं क्योंकि मैं भूल गई हूँ। इसलिए जब भी बाहर जाती हूँ ना मास्क भूल जाती हूँ, फिर नया खरीदना पड़ता है पता नहीं, तो मार्केट में एंट्री नहीं मिलती है इस वजह से। ये मास्क का यहाँ पे थैला लगा हुआ है। जल्दी जाओ और तैयार हो क्या हो। ये देखो सर्दियों में यह आदमी है ना, ये वो बन जाते हैं बाबा, साधु बाबा। चिंता मत करो, तुम्हें मैं नहीं दिखा रही हूँ उसमें, जल्दी से तैयार हो जाओ। ये आदमी यार, हमेशा मैं इसको घूमने के लिए बोलती हूँ, मुझे बोलते चलो यहीं पे घूम लो, यहीं पे चक्कर लगा लो, ये गली में घूम लो, नीचे घूम लो, जल्दी करो आप। अरे जल्दी करो, कौन सी समाधि में लीन हो गए जा तुम है, गजब है यार, जल्दी। मेरा इसका ना कैप नहीं मिल रहा यार, मुझे पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मैंने बहुत ढूंढ लिया इसमें, अब मेरे पास नहीं है। इस कार्डन का मत लगा देना क्या भाई, पहले पहनो तो मैं जाऊँगा, ऐसा मत बोल देना क्योंकि मैंने ढूंढ लिया और वो मैं अब नहीं है, वो अब ऐसे चलना पड़ेगा। तुम चलो, और मैंने सिर्फ 100 रुपये लिए हैं। देखो कैश, मैं पहली बार कैश लेके जा रही हूँ यार। बोले ये कहाँ उड़ गया, शिट कच्चा पे यार, एक मिनट रुकना दोस्तों। हाँ तो चलो दोस्तों मेरे पास में एक टेक्निक है पैसे बचाने की। अगर आप मतलब कहीं पे शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो पैसे अगर बचाने हो तो आप कम पैसे लेके जाया करो, अपन आराम से कम खर्ची नहीं होंगे, कम पैसे लेके जाओ आराम से खर्ची नहीं होंगे। चलो यार कितना टाइम लगाते, लड़कियों से ज्यादा टाइम लेते हो यार तू, जल्दी चलो। सच में यार मुझे आधी जिंदगी ना मुझे वेट करने में निकल जाती है। आधी जरूर पकने वाला है मेरे से, क्योंकि ए अब तुम्हें ना इसी बकबक के साथ जीवन गुजारना पड़ेगा, ये सोच रहे हो। चलो दोस्तों, बड़ी गंदी आदत है, नीचे मिट लगा हुआ। देखो अभी दिवाली की लाइट्स अभी भी लगी हुई है यहाँ पे। भाई साहब कांड हो गया, ये मास्क भूल गए। अरे यहीं पे मिल जाएगा यार मास्क, 10 रुपए में लगेगा। तुम अब तुमको याद रखना चाहिए ना यार, गजब हो। मुझे पता था अब वो ऑलरेडी मास्क का थैला लगा हुआ घर पे भूल के। चलो दोस्तों अभी हम मास्क 10 रुपए दो, मास्क भूल गए तो अभी मास्क खरीदने जा रहे यार। 10 रुपए चाहिए यार, इतने ले जाओ ना, ले आओ। नहीं मुझे इतने नहीं चाहिए। चल भैया एक मास्क दे देना, भैया पहले मेरे को दे देना एक मास्क। थैंक गॉड मेरे घर के पीछे मार्केट है यार, इसलिए मैंने मास्क खरीद लिया वहाँ से, नहीं तो बाहर में पता है एंट्री नहीं मिलती। एवरीबॉडी वो यू नो लुकिंग एट मी कि मैं क्या कर रही हूँ, फ़ोन से व्लॉगिंग कर रही हूँ। ये लो, चलो वो वाला नहीं मिला यार, कवर वाला, मैं पूछी उसको। चलो अब जल्दी यार, कैसे थे यार, मैं डरा दिया मेरे को। कितने का था ये? मैं डर गई यार, कैसे रोक ही नहीं रहा था यार, ना होन दे रहा था, गजब है भाई साहब यार, मैं खुद ऐसे आई हूँ। गलती मेरी थी यार क्योंकि मैं गेट पे खड़ी थी। कोयले के अंदर सेकते, उसको कोयले के अंदर सेकते हैं ना, बताओ ना।
बाप में सेकते हैं, नमक में, वॉट एवर जो भी है, तो मूंगफली होती है ना उसके अंदर सेकते हैं जो टेस्टी होती है। और यहाँ पे सर्दियों में बहुत लोग खाते हैं, रोड पे भी, स्ट्रीट पे भी बहुत मिलती रहती है, यहाँ पे हमारे सोसाइटी के बाहर भी मिलती है। तो ये वाली हम लेने जा रहे हैं, और कुछ होगा तो हम ले लेंगे। और एक खाने जा रहे हैं पान, पान नैवेद्यम का स्पेशल पान, वो वाला पान नहीं है, वो सिंपल वाला स्वीट पान होता ना, वो वाला स्वीट पान है ना। पता हमारे सामने कूद भोग रहा जा रहा, आगे नहीं जाने दे रहा था हमें, फिर अरे सब और मैंने ऐसे हाथ पकड़ लिया और मैंने कहा डरते वैसे से गए हम लोग। और फिर ऐसे ही करते गए यार, वो भोग रहा था, हाथ ही नहीं रहा था, और हम ही देख के बम 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 बम, ओ भाई साहब कैसे कैसे हमारा कटा था। फिर हम जाके थोड़ा दूर जाके भाग गए, ओ एम जी ऐसा हुआ था यार। यहाँ पे ले रहे हैं मूंगफली, और गर्म कर देना अच्छे से, अच्छी गर्म है मैडम देखो, वो सीखी हुई रहे, हाँ वो तो ठीक है पर वो गर्म नहीं, ठंडी है, नहीं गर्म है देखो। अरे भैया मेरे को तो ठंडा लग रहा है, वो क्या है ना थोड़ा और सिका हुआ रहता ना तो टेस्टी लगता है, सिका हुआ तो पहले से रखते हैं। ये देखो नींबू लगा के, वो वाला क्यों भैया, ये देखो अभी तो तुम वो भी तो लोगे यार, नहीं नहीं अभी हम देखो कैसे खाते हैं, और अभी तुम पान नहीं लोगे, व्लॉग बन जाएगा मतलब। अभी तो हमारी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग है यार, अभी हाल फिलहाल ये कोरोना का चक्कर चल रहा है ना, वैसे सभी लोग ट्रैवलिंग करने लग गए हैं, लेकिन यार मैं ही नहीं जा रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास पैसा नहीं है यार, सही बात बताऊँ तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे ना मैं कहीं पे भी निकल जाऊँगी, ये सोच लो। तो यार ये कोरोना के चक्कर में ना मैंने कुछ दुकानें देखी, जैसे शॉपिंग मार्केट होता ना कॉम्प्लेक्स वाला, उसमें मैं देखा भाई साहब जो पहले जो शॉप्स थी ना वहाँ पे वो तो थी नहीं, उसकी जगह कोई और ही शॉप लग गई, करेंगे क्या सब लोग खाली करके चले गए होंगे, और फिर दूसरी शॉप लग गई है, बहुत सारा ऐसा हुआ है, देखो कितना नुकसान हुआ है लोगों को यार, क्या क्या कर दिया इस कोरोना ने। देखो यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स जो होते ना अभी भी खुले हुए हैं, एज यू कैन सी देखो ऐसी ऐसी का बैंक है जो कि खुला हुआ है, पता नहीं कब आएंगे यार, मुझे कितना वेट करना पड़ेगा। इतना छोटा पान यार, मैंने मथुरा में खाया था इतना बड़ा था यार, ये देखो दोस्तों इतना छोटा पान मिला है यार, पर ये 10 ही रुपये का है, मथुरा में हमने खाया था पता कितने का, 50 रुपीज़ का पान था, और क्या मस्त टेस्टी वाला पान था यार। तुम चना दाल ले रहे हो, मिल ही नहीं रहा है तुम्हें, ये दाल ले लिया, वो ले लिया, ये ले लिया, बट जो लेने आए थे ना वो तो लिया ही नहीं। ये क्या लिया तुमने है, दिखा ना जरा, ये देखो 3 फालतू आइटम लिए हैं, जो चीज़ लेना था वो नहीं लिया है, तो गड़बड़ी हो गई, पान के चक्कर में नशा हो गया यार, मुझे नहीं पता था कौन सा उसके अंदर मीठा मिला हुआ है, ये बोल रहे ना सुपारी होता है उसके अंदर मिला हुआ, वो सुपारी के अंदर पता नहीं क्या है यार, मेरे दिमाग में ऐसा हो रहा है, लग रहा है मैंने गुटखे खा लिया यार, पता नहीं क्या, पर सुपारी गुटखे जैसे थोड़ी होती है यार। तो फाइनली गाइस हम लोग अभी आ गए हैं घर पे, और बहुत सारी फालतू चीज़ें खरीद के भी आए हैं, ये देखो चलो अब मैं बाद में मिलूँगी, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक भी कर देना इस वीडियो को, पसंद आए या नहीं आए, नहीं आए तो बताना क्यों नहीं आए पसंद, ओके बाय।